शिवाय। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संभोग वशिका का एक सरल और प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी के नैतिक मूल्यों का हास करने के लिए कानून के दृष्टिकोण से जो गलत हो या किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका दुरुपयोग कदापि ना करें। जब भी आप वशीकरण के टुटकों का, यंत्रों का, मंत्रों का या तंत्रों का प्रयोग करें तो सर्वप्रथम आपको अपनी एनर्जी को रीड करना है और अगले की एनर्जी को भी रीड करना है। यदि आप लोग की एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी प्रयोग में आपको आसानी से सफलता मिल जाती है, और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो सफलता मिलने में समय लगता है। अतः आवश्यकता है कि अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता आसानी से मिल जाती है। अल्प प्रयास से भी सफलता मिलती है यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो। और जिस काम में आप हाथ डालेंगे, किसी भी टोटकों को करेंगे, मंत्र करेंगे, तंत्र को करेंगे, तो उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलने के साथ साथ आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति भी बढ़ती रहती है। और यही एनर्जी बैलेंस नहीं है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जिस काम में आप हाथ डालते हैं उस काम में आपको निराशा और असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। एनर्जी बैलेंस का मतलब सिर्फ वशीकरण के प्रयोग से ही नहीं है, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्ति के लिए आपका एनर्जी का बैलेंस होना अति आवश्यक है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहां पर मैं जो वशीकरण की विधि बताने वाला हूं उसके प्रति आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, अपने इष्ट पर विश्वास करना है, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास करना है। उसके बाद ही कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। तमाम बहनों का, भाइयों का, माताओं का ऐसा प्रश्न भी होता है कि हम किसी प्रयोग में सफल नहीं हो पा रहे हैं, मैंने यह टोटका किया, यह उपाय किए मगर उसमें सफलता नहीं मिली। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि आपको उपाय पर विश्वास नहीं है, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास नहीं है, या हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। अतः इसको मद्देनजर रखते हुए कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और कुछ समय निकाल करके आपको अपने घर पे टेलीपैथी का, त्राटक का भी अभ्यास करना चाहिए। हमने अपने पिछली वीडियो में टेलीपैथी के बारे में अच्छा वीडियो बनाया है, अनेकों वीडियो बनाया है, उसको जा करके आपको देखना चाहिए। त्राटक पर भी वीडियो मैंने बताया है, उसको भी जा करके आपको देखना चाहिए। और कुछ प्रयोग आपको एकांत कमरे में करना चाहिए जहाँ किसी की शोरगुल ना हो, न शोरगुल होने की संभावना हो, वैचारिक जगत की कोई बातें आपके मन मस्तिष्क में नहीं चलनी चाहिए। अगर कुछ उलझन है आपके दिमाग में, कुछ तनाव है, कुछ टेंशन है, तो अंदर से प्रसन्नता का भाव लेकर के ही कोई प्रयोग करें। बहुत तनाव में तो आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलती है, आपको रिलैक्स होने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को वश में कर लेंगे तभी दुनिया को आप वश में करेंगे। अतः सर्वप्रथम आपको अपने आप को वश में करना है। इसके लिए ध्यान की अनेक विधाएं हैं, अनेकों विधियां हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, उसका आप प्रयोग करें। एकांत में रह करके भी आपको मुस्कुराने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि आप एकांत में आगे टेंशन तनाव शुरू कर दिए। अतः इन सब का ध्यान में रखते हुए
आप कोई प्रयोग करेंगे आपको सफलता मिलेगी। हम अपने प्रयोग विधि पर चलेंगे, जो आज का प्रयोग है। सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट पर विश्वास करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर ले। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात ही कोई प्रयोग करे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी को गुरु बना करके ही प्रयोग लाइएगा। किसी को गुरु बना करके यह प्रयोग करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई गुरुदेव नहीं है तो भी आप निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जब भी मुझसे संपर्क करते हैं तो फोन कॉल का प्रयोग ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अपना नाम, अपना फोटो और जो भी समस्या हो साफ साफ लिख दें। मैं आप लोग की सेवा में ही लगा रहता हूँ, मगर फोन कॉल ज्यादा आने से फोन रिसीव नहीं हो पाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का प्रयोग मैं अवश्य करता हूँ। अतः सभी भाइयों बहनों माताओं से निवेदन है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें, न कि फोन कॉल। और दूसरी बात, अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल रही है तो भी आप निराश न हो। आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क करें, मैं आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर आप लोग का उचित समाधान भी करूं। यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है। पहले मंत्रों को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। मंत्र इस प्रकार से है, पहले मंत्र को सुन लीजिए। ओम क्लीम नमो वन जुम सु क्रीम नमः। पुनः सुन ले, ओम क्लीम नमो वम जम सु क्रीम नमः। पूरी विधि जरा समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफेद कागज और एक लाल पेन लेना है। लाल पेन की मदद से सफेद कागज पर आपको जो मैंने मंत्र बोला है, ओम क्लीम नमो वन जम सु क्रिय क्रीम नमः, पुनः सुन ले, ओम क्लीम नमो वन जम सु क्रीम नमः। इस मंत्र को आपको लिखना है। अब आपको इस कागज को अपने तकिए के नीचे रख लेना है, जहां पर आप सोते हैं। इस कागज को 7 से 8 दिन तक अपने तकिए के नीचे रखना है और जब भी आप सोए आपको 7 बार इस मंत्र को बोल करके सोना है। इस टोटके को किसी दिन कर सकते हैं और 7 दिन लगातार करना है। जब भी सोए मंत्र बोल करके सोए। 7 दिनों के बाद जिसको बस में करने के लिए आपने यह टोटका किया है वह आपके लिए तड़प उठेगा, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। और जब भी इसका प्रयोग करें, किसी को भी वश में करने के लिए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक बालिका कोई भी हो, क्योंकि यह प्रयोग सभी के लिए, स्त्री पुरुष सभी के लिए है, उसके मनोमस्तिष्क का चिंतन करिए। आप सोते समय अपने आज्ञा चक्र पर या अनाहत चक्र पर सोचे कि उसकी छवि है और उसको मैसेज करें। टेलीपैथी मैसेज मन में ही होता है, अपने मन से आप मैसेज करें उसको, सोचें आप, कल्पना करें कि वह आपके बस में हो गया है या बस में हो गई है। 4 से 5 मिनट तक इस तरह से आप करेंगे और देखिएगा कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है या जीवन से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश ना हो।
अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोगों का उचित समाधान करूँगा। धन्यवाद। राम राम।